3,500 से लेके 5,000 रुपए का एक फैमिली का एक्सपेंस हो गया, राइट, ऑन दीज प्रोडक्ट्स. अब ये अगर हम बात कर रहे हैं एक परिवार की, और अगर हम इसको ये माने कि आप लोगों के साथ 10 से 12 परिवार जुड़े हुए हैं, इसमें ऐसे परिवार को भी आप काउंट कर सकते हैं जो आपके एकदम क्लोजली रिलेटेड, जैसे हम सबके जो रिलेशन में होते हैं, हमारे मामा की फैमिली, हमारे चाचा की फैमिली, ताऊ की फैमिली, आप उनको भी अगर काउंट कर लेते हैं तो 10 से 12 फैमिली से तो मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत मिनिमम नंबर होगा. और यहाँ पे जाके हमारी ओनली पर्सनल केयर की जो मंथली सेल हो सकती है वो 42,000 से लेके 60,000 रुपये हो सकती है. मैंने बहुत बड़े नंबर तो नहीं बोले ना, बहुत आसान से, बिल्कुल सिंपल से मिनिमम जो नंबर आप अचीव कर सकते हैं, मैं उन नंबर्स की बात कर रही हूँ. ये है डुएबल सबके लिए? शायद आपने ये कैलकुलेशन अभी तक नहीं लगाई होती. अगर लगाई होती तो मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग कीसोल पे काम करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी तक आपकी पर्सनल केयर की इतनी सेलिंग तो आ ही चुकी होती. हम करते क्या है, किसी घर में कुछ प्रोडक्ट देते हैं, किसी घर में कुछ प्रोडक्ट देते हैं. अब इस्तेमाल तो वो शैम्पू और क्रीम कर रहे हैं, आप नहीं भी देंगे तो भी, तो क्यों ना आज से हम उनके घर में व्योमनी उत्पाद सारी तरह से यूज हो उसके बारे में आज हम संकल्प लें. मैं दूसरी कैटेगरी पे आ रही हूं अभी, यहीं पे मत अपने नंबर्स को डिफाइन करिएगा. ये जो कैटेगरी है ये अपने आप में इतनी बड़ी कैटेगरी है कि आज हमारे देश में अगर हम किसी भी कैटेगरी की ग्रोथ रेट की बात करें तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट पर्सनल केयर सेगमेंट में है. हम लोग देखते हैं मार्केट में 100-200 नहीं, हजारों तरह के स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स आते हैं. उसका रीजन यही है कि हमारे देश में इन प्रोडक्ट्स का जो चलन है, जो यूज है, वो इतना बड़े तौर पे बढ़ता जा रहा है. और इतनी महंगे महंगे मार्केट में ब्रांड आते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं है कि वो हमारे स्किन पे, हमारे हेयर पे किस तरह के केमिकल से नुकसान पहुंचा सकते हैं. हमारे पास ये जो व्योमनी सीरीज है, ये आप अगर उसको समझ के किसी को भी समझाएंगे तो ये मैं आपको पूरे दावे के साथ बोल सकती हूँ कि कोई भी इस प्रोडक्ट को यूज करके डिससैटिस्फाइड नहीं होगा, बल्कि आपसे आगे होके पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट्स आज तक आपने हमें पहले क्यों नहीं दिए. सेकेंड कैटेगरी जिसको हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जो महिलाओं की सबसे फेवरेट कैटेगरी है. आप किसी महिला को एक टाइम खाना खाने के लिए मना कर देंगे तो वो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन आप उसको ये बोल देंगे कि तुमको पार्टी में लिपस्टिक लगा के नहीं जाना है तो वो आपको कहेगी मुझे जाना ही नहीं है पार्टी में. इतने ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट्स होते हैं ये लेडीज के. और जहां पे हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हर महिला किसी भी घर में मिनिमम से मिनिमम 1,000 रुपए से लेके 2,500 रुपए अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे खर्चा करती है, और ज्यादा भी करती होगी. मैं तो आपको मिनिमम नंबर बता रही हूँ, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है पुरुषों को कि महिलाएं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे कितना खर्चा करती है. 2-3 नेल पेंट तो उनके पर्स में होती है, उनकी ड्रेसिंग पे सारा कलेक्शन होता है, पार्टी में जाने का अलग लिपस्टिक, किटी पार्टी में जाने का अलग लिपस्टिक. आप लोगों को अंदाजे भी नहीं है कि वो कितना खर्चा करती है. तो अगर किसी फैमिली में सपोज 2 लेडीज हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उनका 2,000 से लेके 5,000 का खर्चा तो ओनली अपनी सजावट के ऊपर होता है. अब अगर फिर से मैं वही बात कर रही हूँ, 10 से 12 फैमिली से तो आप जुड़े हुए हैं ना, अब उनके ऊपर अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक्सपेंसेस देखें तो 24,000 से लेके 60,000 रुपए का खर्चा होता है. जहां ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, मुझे जहां तक याद है जब मैं छोटी थी तो हम लोग ने घर में कभी नहीं देखा कि इतने ज्यादा, मतलब मम्मी लोग लिपस्टिक वगैरह लगा रहे हैं या कुछ हो रहे हैं. लेकिन आज यही बात अगर हम हमारे बच्चों की करते हैं तो अभी से ही वो लोगों को, सबको पता है कि बीबी क्रीम क्या होता है, काजल कब लगाया जाता है, लाइनर को लगाने के क्या क्या तरीके हैं. तो अब आप ये समझ लीजिए कि यूथ का जो इन्फ्लुएंस है कॉस्मेटिक्स की तरफ, क्योंकि इतना ज्यादा सोशल मीडिया ने इस चीज को हाइप कर दिया है, इतनी ज्यादा ब्रांड्स अवेलेबल है कि ये प्रोडक्ट कैटेगरी तो बढ़नी ही बढ़नी है. मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2020 जो कोविड ने सबसे हाईली इम्पैक्ट किया था हमारी कंट्री को, उस वक्त कॉस्मेटिक्स की सेल ओनली इन इंडिया वाज 1 लाख करोड़. 1 लाख नहीं, 1 लाख करोड़. अब आप सोचिए 1 लाख करोड़ जिस प्रोडक्ट कैटेगरी की कोई नीड नहीं होती है, कोविड में क्यों कॉस्मेटिक यूज करेगा आदमी, मुझे बताइए. पर फिर भी उस साल में इतनी बड़ी सेल थी. तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे देश में कॉस्मेटिक्स का यूज कितना ज्यादा होता है और बढ़ के पता नहीं कहाँ जाने वाला है. मतलब ये कोई सीमा ही नहीं है इस कैटेगरी की. थर्ड कैटेगरी जिसको मैं कहूंगी कि थोड़ा सा मुझे दुख भी होता है बोलते हुए कि आज हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी महिलाएं अपने आप पे इतना सजने धजने पे खर्चा करती है, लेकिन वो ये भूल जाती है
कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को अंदर से स्वस्थ रखें। लेकिन आज जब हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हमारे देश में हम महिलाओं की जिंदगी में जो कहते हैं ना कि महिलाओं को एम्पावर करेंगे, उनको सशक्त करेंगे, सबसे ज्यादा और सबसे पहला उसका जो काम है वो है महिलाओं की जिंदगी में हाइजीन पहुंचाना। और जब हमने ये ठान ही लिया है इस पूरी आप लोगों की मदद से, आज आप लोगों ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है की सोल के इस हाइजीन कैंपेन को हम देश भर में पहुंचाएंगे, और एक्चुअली में हम पहुंच चुके हैं देश के कोने कोने में, जहां पे हम इस किट के माध्यम से घर में एंट्री लेते हैं और बाद में इन चारों प्रोडक्ट्स को रेगुलर बेसिस पे मंथली हम उनके घरों तक पहुंचाते हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने बहुत बेयर मिनिमम खर्चा, जो कहते हैं कि लेडीज कहती है कि हमको ये महंगा लगता है, हम इस पे खर्चा नहीं कर सकते, मैं उन्हीं के एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ कि आज हम इतना फिजूल का खर्चा करते हैं, वो भी 100-200 रुपए तो हम ऐसे खर्च देते हैं। तो मैं अगर ये कहूं कि किसी भी घर में एक लड़की है तो उसका मिनिमम एक्सपेंसेस ऑन हाइजीन आएगा 100 से 200 रुपए, कहीं दो होगी, एक बेटी एक माँ दो बहनें या कोई भी, मैं थोड़ा सा ये पकड़ रही हूँ कि दो महिला अगर जिस महिला जिस घर में है वहां पे 200 से 400 रुपए, ये क्या ज्यादा खर्चा है क्या बताइए? क्या हम किसी घर में इतनी सी बात के लिए कन्विंस नहीं कर सकते कि आपको इतनी तरह की बीमारियों से होने से हम बचा रहे हैं, आपकी जिंदगी में एक ऐसी खुशहाली दे रहे हैं जिससे आप हमेशा एटलीस्ट एक एंगल से तो आप बहुत सारी चीजों से स्वस्थ रहेंगे और अपने आप की केयर कर पाएंगे, इतना सा तो हम सब कर सकते हैं। अब उन्हीं 10 से 12 परिवारों में अगर हम इस चीज का खर्चा पकड़े या हमारी मंथली सेल पकड़े तो वो होगी 2400 से लेकर 4800 रुपए। मैंने कोई भी इम्प्रैक्टिकल फिगर नहीं लिखा है यहाँ पर ये होना चाहिए मंथली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि एक बार हमने यूज कर लिया और फिर हमने छोड़ दिया, ये कोई चीज का सलूशन ही नहीं है कि अगर आपने इसको एक बार यूज करके छोड़ दिया तो, लगातार इसको यूज करना है और हर महीने यूज करना है। और मैं बहुत ज्यादा चीजों की बात भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ इन चार प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, जिन्होंने इन चार प्रोडक्ट्स को अपना लिया, सही तरह से यूज कर लिया, उनके जीवन में हाइजीन से रिलेटेड तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने ही वाली है। अगर हाइजीन के आंकड़ों की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ने ही वाला है, और मुझे लगता है इसके बढ़ने का श्रेय तो पूरी तरह से हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से हाइजीन पे काम कर रहे हैं वैसे तो कोई और कर ही नहीं सकता, ये मुझे पक्का दावा है। लॉन्जरीज इनरवेयर, ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास यहाँ पे जिस तरह से हम लॉन्जरीज पे बात करते हैं वैसे कोई बात करता ही नहीं है, कोई भी नहीं करता। आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में तो देखिए कोई है ही नहीं, तो हमारे सामने कोई खड़ा हुआ ही नहीं है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की भी बात करें तो आप दुनिया को कोई ब्रांड नहीं है जिस तरीके से हम समझाते हैं वैसा वो समझाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा एडेड एडवांटेज है, जहां लॉन्जरीज की बात आती है तो ये तो प्रोडक्ट हमको हर घर में जहां महिलाएं हैं वहां पहुंचाना ही पहुंचाना है। और अगर हम मंथली एक्सपेंसेस की बात करें किसी भी एक घर में, वो 500 से 1000 रुपए होते ही होते हैं जहां पे एक महिला है, जहां पे दो है वो 1000 से 2000 रुपए का एक्सपेंस हर मंथ होगा ही होगा, इस एक्सपेंस को आप चाहे तो भी नहीं रोक सकते हैं। तो अगर हम उन 10 से 12 फैमिलीज की बात करें तो करीब करीब 12 से 24 हजार रुपए हम अगर बहुत एकदम कट करके और बहुत ही मिनिमल जो काम करेंगे ना तो भी हम इतना तो सेलिंग कर ही पाएंगे। अब आप ये सोचिए कि हमने सिर्फ 12 फैमिलीज की बात करी है और मैं आपको मिनिमम वाला नंबर भी पकड़ती हूँ ना तो ये टोटल मिला के होते हैं 80,000 रुपए। अगर मैं हायर वाला पकड़ूंगी तो आप सोचिए कि 1.5-2 लाख रुपए तक हम पहुंच सकते हैं। अब आप ओनली और ओनली कीसोल और व्योमिनी 12 परिवारों में पहुंचा के 80,000 से 1 लाख रुपए भी मिनिमम आप पकड़ते हैं, इतनी सेलिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये इतना आसान है, आपको शायद लग रहा होगा कि मैंने कुछ भी मतलब मैं कुछ भी नंबर्स बोल रही हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए एक बार ब्रॉडली, मैं तो किसी और की बात कर ही नहीं रही हूँ, आप खुद के परिवार में, पुरुषों को मैं यहाँ पे बोलूंगी, आप इस सेशन के बाद अपने घर की महिलाओं के साथ बैठिएगा और फिर आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा कि वो मंथली इन चीजों पे कितना एक्सपेंसेस करती है। तो क्या हम यही चीज उन 12 परिवारों में डुप्लीकेट नहीं कर सकते? बहुत आसान है इन सारे प्रोडक्ट्स को समझना, जितना बेहतरीन सिस्टम हमने PQC के माध्यम से एक एक प्रोडक्ट को बताने पे हमने पूरा सिस्टम डेवलप कर रखा है, तो कोई भी इन प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली बता के बहुत आसानी से इन परिवारों में पहुंचा सकता है। और मैंने एक भी इम्प्रैक्टिकल नंबर आपके सामने नहीं रखा है जो डूएबल नहीं है। जरूरत क्या है
कि जब तक ये सारे प्रोडक्ट्स उनके घर में रेगुलर यूज नहीं आने लग जाते तब तक आपको थोड़ा सा उनसे फॉलोअप करना है। और इन प्रोडक्ट्स को हम जैसे हम ये कर पाएंगे, जब भी हमें लगता है कि हम ये नंबर्स अचीव कर सकते हैं, तब आपका कीसोल और व्योमिनी का एक निरंतर बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा। तब उसके बाद आपको नेक्स्ट 12 परिवारों को पकड़ना है। ये मतलब ये ऐसा सिलसिला है जहां पे अब आप सोचिए कि हम जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक उस कड़ी के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर कैसे लोगों को जोड़ते हैं, वहां पे खुद ब खुद आपका काम होने लग जाएगा जब उनके पास आप इन प्रोडक्ट्स को रेगुलर बेसिस पे पहुंचा पाएंगे। और साथ ही में जब हम बात कर रहे हैं 80,000 1,00,000 रुपए की, तो केएसओ तो आप कितने सारे खुलवा सकते हैं जो सिर्फ 50,000 रुपए में घर में बैठ के खुल जाते हैं। तो आपको जब आप इन प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे, आपको कई सारे ऐसे ऐसी फैमिलीज आइडेंटिफाई होगी जो खुद कीसोल पे और काम करना चाहती हैं और कीसोल के माध्यम से वो अपना खुद का एक आउटलेट भी खोलना चाहती है। तो इस तरीके से अगर आप एनालाइज करेंगे तो मात्र 50,000 रुपए में एक आप पूरा आउटलेट खोल सकते हैं जहाँ पे कीसोल के सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जा सकते हैं, सेल किए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले जो करने की जरूरत है वो है PQC ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना, जो कि सबके लिए कंपलसरी है। देखिए, अगर की सोल्व करना है तो PQC को तो ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि आप आधी अधूरी जानकारी के साथ किसी को भी की सोल्व बताएंगे तो वो आप की सोल्व के साथ कुछ इनजस्टिस करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी नाम नहीं है। कीसोल एक ब्रांड है, और जब किसी ब्रांड के बारे में बात की जाती है तो पूरी जानकारी के साथ की जाती है, और वो जानकारी मिलती है हमें PQC ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हम कुछ कीसोल को जब अब पूरे देश में हमने पहुंचाई दिया है तो जरूरत अब ये हो गई कि पूरे देश में हम कुछ ऐसे इवेंट्स करें जहां पे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बेहतरीन काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए, उन्हें एक नया मंजिल के ऊपर काम करने पे एक नया जोश मिले, एक सेलिब्रेशन हो। तो हम ये सेलिब्रेशन इवेंट्स करने जा रहे हैं देश के अलग अलग भागों में, और ये इस प्रकार से इन इवेंट्स की डेट है। तो जिसके भी जो नियर बाय आपका लोकेशन पड़ता है वहां के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं।